नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आज आप लोगों के सामने स्केचअप ट्यूटोरियल इन हिंदी का तीसरा भाग लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी छोटे से डिज़ाइन में हम पेंट कैसे करते हैं, उसमें कलर कैसे डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट होता है, जिससे कि आप ले सकते हैं उस टाइप से किसी भी साइज़ का। आप इसका साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि इसको सेलेक्ट करके ऐसे माउस को फ्री छोड़ देना और आपने कीबोर्ड से एंटर करना है। लाइक मैंने किया 5 और फीट के लिए ये वाला सिंबल आपने यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। आपको माउस को ऐसे फ्री छोड़ देना और देखिए जैसे 8 फुट मैंने किया है और कॉमा दे दीजिए और जैसे 15 फुट का ये मतलब लंबाई और चौड़ाई आप ये देखिए ये बन चुका है ये, ठीक है। वो थोड़ा हम लोग इन लार्ज स्केल पर देख रहे थे, सो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। तो देखिए आप जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑफसेट टूल का यूज़ करके आप वॉल बना सकते हैं, तो यहाँ मैं एक वॉल बनाता हूँ पी करके मैंने इसको ये किया। और मैंने आपको इसे ट्यूटोरियल्स में अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, मैंने उसमें बताया है कि ये दरवाजे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने दरवाज़ा बनाया और ये एक आध खिड़की मैंने दे दी। तो अब देखिए अब इसमें करना क्या है कि हमने कलर करना है। तो कलर के लिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये पेंट बकेट दिया होता है, तो इस पर आप एक बार क्लिक कर सकते हैं और ये यहाँ से अपने अनुसार कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, आप नॉर्मल कलर नेम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये इतने सारे कलर हैं। जैसा कि मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो इसको मैंने ग्राउंड में कर दिया और दूसरा कोई सेलेक्ट कीजिए कलर, ये इसको मैंने फ्रंट वॉल पे किया और इनसाइड वॉल पे किया। इनसाइड वॉल पे मैंने ब्लू कलर कर दिया और मैं आउटसाइड वॉल के लिए करता क्या हूँ कि ये कुछ इस टाइप का ले लेता। ये मैंने कलर कर लिया है। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को अपने इच्छा के अनुसार कलर कर सकते हैं और इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं टेक्सचर डाल सकता हूँ, देखिए यहाँ से आप कलर्स के लिए ये देखिए जैसे वुड कलर जैसे लकड़ी का कलर होता है वैसा कर सकते हैं आप, या जैसे ये सब देखिए ये इतने सारे हैं। यहाँ से आप मेटल कलर कर सकते हैं जैसा कि दिखे कि वॉल जो है वो किस चीज़ का बना है। ये देखिए जूम करने से दिखता है इसको, थोड़ा आप इस साइज़ को आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से ये इडिट से, ठीक है। इसको आपने इस स्केल को बढ़ा सॉरी ये इस स्केल को बढ़ा देना है कि उसके बीच के ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की दूरी कितनी होगी वो यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे 6 इंच बाई डिफॉल्ट रहता है, आप इसको बढ़ा के जैसे कर सकते हैं मैंने कर दिया 2 फुट, ओके बाय 2 फुट, ठीक है। अब हम लोग अगर डालते हैं ये देखिए ये 2 फुट, ठीक है। ये देखिए ये अब 2 फुट का मतलब दूरी से भी अब दिखाई देगा, इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ गई है जिस कारण से हमें दूर से भी दिखाई देगा। और कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड कलर्स हैं लाइक आप ग्रास मतलब कि ये घास का कलर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वेजिटेशन करना होगा और यहाँ से आप ये ले लीजिए ये देखिए ये घास इसके घास की भी दूरी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से एडिट में जाके। और बहुत सारे दिए रहते हैं जैसे टाइल, तो हम लोग फर्श पे नॉर्मली टाइल का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये एक अच्छा सा घर लग रहा है, इसका मैं वॉल चेंज कर देता हूँ। वॉल कुछ मुझे भी पसंद नहीं है, आई थिंक आपको भी पसंद नहीं होगा। तो यहाँ से मैं कलर्स लेता हूँ और ये कलर कर देता हूँ नॉर्मली, कोई बात नहीं ये इतना चलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे कि एक घर में ये जैसा कि मैंने अभी फ्रेमिंग सिर्फ छोड़ा है खिड़की और दरवाजे के लिए, खिड़की दरवाज़ा लगाते कैसे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।